नेपाल में संपन्न हुई 13वीं सैफ गेम्स में भारतीय महिला हैंडबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। फाइनल मैच में भारतीय महिला हैंडबॉल टीम ने नेपाल को 35-21 से पराजित किया। भारतीय हैंडबॉल महिला की 16 सदस्यीय टीम में 6 महिला खिलाड़ी बिलासपुर की मोर सिंघी हैंडबॉल नर्सरी की शामिल थी। नेपाल में संपन्न हुई 13वीं सैफ गेम्स में भारतीय महिला हैंडबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। फाइनल मैच में भारतीय महिला हैंडबॉल टीम ने नेपाल को 35-21 से पराजित किया। भारतीय हैंडबॉल महिला की 16 सदस्यीय टीम ने 6 महिला खिलाड़ी बिलासपुर की मोर सिंघी हैंडबॉल नर्सरी की शामिल थी, जिनका हर मैच में शानदार प्रदर्शन रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय टीम ने पहले मैच में भारत के चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में 45-23 से पराजित किया। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश को भी एक तरफा मुकाबले में 41-21 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में भारत का मुकाबला सैफ गेम्स के आयोजक नेपाल को 35-21 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता है। प्रतियोगिता में मोर सिंघी हैंडबॉल नर्सरी की खिलाड़ियों निधि शर्मा, दीप शिखा, मोनिका पाल व प्रियंका ठाकुर का शानदार प्रदर्शन रहा। बिलासपुर पहुंचने पर महिला टीम का भव्य स्वागत किया गया और बिलासपुर पहुंचने पर रियाद बहारा यूनिवर्सिटी द्वारा सभी खिलाड़ियों को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। नाम दीपशिका है, मैं हैंडबॉल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। अभी हाल ही में हमारा सैफ गेम्स का टूर्नामेंट पोखरा नेपाल में संपन्न हुआ। इसका प्रशिक्षण शिविर पंजाब के NIS में श्री महेंद्र लाल शर्मा जी ने लिया था। यह प्रशिक्षण शिविर हमारा बहुत ही अच्छा गया। इस प्रशिक्षण के बदौलत ही हमारा गोल्ड आ पाया है। मैं इस गोल्ड मेडल का पूरा श्रेय अपने कोचेस श्रीमती स्नेहलता और श्री सचिन चौधरी को देना चाहूंगी। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। हाल ही में जो सैफ गेम अभी नेपाल पोखरा में हुई, उसमें हमारा गोल्ड मेडल आया। इसका प्रशिक्षण शिविर हमारा पटियाला NIS में लगा था, जिसमें हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई गई थी और हमने इस टूर्नामेंट में सारे मैच एक तरफा खेले और हमारी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस रही। और अभी हम ये गोल्ड मेडल लेके आए तो हमें बहुत खुशी है। हम इसका श्रेय अपने कोच श्रीमती स्नेहलता और उनके पति सचिन चौधरी को देना। हमारा लास्ट मैच नेपाल और भारत के बीच हुआ, इसमें हमारा स्कोर 21-35 रहा था। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।